इस सरकार में जो कार्य हुए वो कैसे कार्य हुए सरकार में? जो सरकार काम करती है अपनी तरफ से अच्छा करती है। देखो, इससे पहले 40 साल मैं जनता पार्टी का आदमी था। आप जनता पार्टी जी है? तो अब वो जब अटल जी गुजर गए तो फिर दिल थोड़ा फीका हो गया। अरे फीका क्यों हुआ ये दिल, जिसमें मिठास इतनी भरी हुई थी? क्या अटल जी मात्र से जुड़े थे या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे? नहीं, हम उनके जो काम थे उनके साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, पैगाम मोहब्बत वाला था। पैगाम मोहब्बत वाला था। और मोहब्बत से याद आया, राहुल गांधी कहते हैं नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। देखो, दुकानें तो सभी खोलते हैं, लेकिन जब काम हो जाए तो वो बात आती है। अच्छा ये बताइए, एक तरफ महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ धर्म की भी बात कहीं ना कहीं आ जाती है। देखो, धर्म अपनी जगह है और ये रोजगार अपनी जगह है। पेट में होगा तो धर्म भी है, पेट में होगा घर भी है, पेट में होगा तो सब कुछ है। फिर बहन भी है, भाई भी है, सब कुछ है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है। पेट में कुछ नहीं, मोहब्बत भी नहीं, प्यार भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है 2024 में देश के लिए कौन चेहरा सूटेबल रहे, जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो, जो इन सब चीजों को पूरा कर सके? ये देखो, जनता खूब जानती है, जो जनता को प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा, उसको बना लेगी। आपको प्यारा कौन लगता है? अरे मुझे कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे सब प्यारे लगते हैं। अच्छा। देखो एक बात सुनो, आप भी उसी भगवान के बनाए हो, मैं भी उसी के बनवाया। मुझे किसी के साथ जिद नहीं, मोहब्बत नहीं सिखाता आपस में, मोहब्बत नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैरे रखना। हिंदी है हम वतन, है हिंदुस्तान। अरे वाह, बस बात है भाई साहब, यही बात है, बस और क्या है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, बस इसमें क्या है। सब एक अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, मोहब्बत यही है। जैसे विपक्ष कहता है कि आज धर्म के नाम पर लोग बट गए हैं, क्या खान साहब को ऐसा लगता है क्या, कहीं बटे हुए हैं? नहीं, हमें बटे हुए नहीं नजर। ये खाली हम जो टीवी पर देखते हैं तो वहाँ बटे हुए नजर आते हैं, और तो हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते हैं, हम तो एक दूसरे के साथ बैठ के खाते हैं, एक दूसरे का मोहब्बत है, दोस्ती है, भाईचारा है, सब कुछ है। जब हम ये मीडिया की ये स्क्रीन पर आते हैं थोड़ा तो वहाँ बटे हुए नजर आते हैं, और हम एक ही हैं। टीवी में बटे हैं, बाकी देश में कोई बटा हुआ नहीं, कोई कुछ नहीं है। राहुल गांधी पैदल करते करते कहते कहते चले, बट गए, और आप कह रहे कहीं बटे नहीं है। देखो, राहुल की भी अपनी अच्छी बात है, जो नेता बात करता है वो अपनी तरफ से अच्छा करता है। देखो, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है वो चीज, तो ग्राउंड पे तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तो हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठे में रह रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी को कैसे बुरा कह सकते हैं? हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, हम किसी सरकार को बुरा नहीं कह सकते। जो कर रहा है वो अपने मन से सही कर रहा है। अब बड़े बड़े लोग हैं जो इन चीजों को जानते होंगे, हम तो सियासत में है नहीं है ना जानते हैं, तो हमने इससे क्या लेना। तो फिर भी कोई घर में दो बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा ज्यादा पसंद होता है, एक थोड़ा सा कम प्रभावशाली होता है। अब अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इसमें कौन ज्यादा प्रभावशाली लगता है? अरे सब ही अच्छे हैं, सब ही अच्छे, बुरा कोई नहीं। अरे मैं बुरा नहीं पूछ रहा, ज्यादा प्रभाव किसका है? अरे सभी का है, जो आता है कुर्सी पर वही होता है वक्त पे। अच्छा, हाँ, अपने अपने समय पर सब आए चले गए। तो अब क्या लग रहा, मोदी चले जाएंगे? नहीं, अरे हम भेजने वाले कौन होते हैं? वोटर हैं आप, अरे आपके हाथ में ताकत है। अरे हमारी ताकत के बगैर भी बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। मतलब जरूरत नहीं खान साहब की मोदी को? अरे क्या है उसको, किसकी जरूरत है? अच्छा, जिसका शासन हो, सब कुछ हो, सब कुछ उस एक आदमी के घर में, जैसे मैं ही घर में बड़ा आदमी हूँ, तो मैं घर में जो चाहूंगा सो ही कर दूंगा। अच्छा, मेरा बच्चा अगर रूठा रहे तो रूठा रहे, उससे क्या बनने वाला, घूमने वाला है। अच्छा, हाँ ये कुछ नहीं, तो मतलब अब ऐसे शासन से सब कुछ हो जाएगा, वोट वाट की जरूरत नहीं रही? अरे तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है वोट की? अगर वोट की जरूरत हो तो जनता आज बेचारी क्या परेशान है, रोजगार नहीं है, क्या हालत है, तो पढ़े लिखे आज बेचारे रेडी पे काम कर रहे हैं, तो क्या उनको भी, तो जिन माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुँचाया, उनके जो सपने थे कि ये औलाद हमें संभालेगी देखेगी, तो आज उनके पास है ही कुछ नहीं है, बेचारे दिन में क्या कमाएंगे,
क्या खाएंगे, क्या माँ बाप को संभालेंगे, माँ बाप के तो सपने चकनाचूर बस। चलिए खान साहब धन्यवाद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कश्मीर का हूँ। अरे कश्मीर के जी? अरे भाई साहब दिए के नीचे अंधेरा, तब तक नहीं बताया, अब बता कश्मीर के हालत कैसे हैं? बढ़िया, खराब हुए ही नहीं। कौन कहता है खराब हुए, लोग मर रहे हैं बस, और सब ठीक है। अच्छा कैसे मर रहे हैं? नहीं रहे, जम्मू में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी बिल्डिंगें गिर रही हैं, कितने लोग यानी शोर शराबे में, देख रहे हो सब कुछ। तो मुझे क्या पूछते हो? वो तो कहते जब से 370 हटी मामला सेट आ गया, दूध की नहरें बह रही हैं कश्मीर में। अच्छा क्या नाम है? मेरा नाम मुशर्रफ है भाई। कहाँ के रहने वाले मुशर्रफ? मैं जौनपुर का हूँ, यूपी से हूँ। अच्छा एक बात बताइए, 9 साल हो गए सरकार को, अब चर्चा चल रही है 24 की, तो आपको कौन चेहरा लग रहा है कि इस बार मोदी के सामने टिकने लायक है? देखो मुझे तो सबसे ज्यादा भाई, मैंने जो काम देखा ना आज तक, मैंने इतना किसी का काम केजरीवाल का जैसा काम नहीं देखा। अच्छा। ये बात अलग है। अरे रुकिए, कि जड़े अभी उनकी कमजोर हैं। मैं मुझे यहाँ हो गए 27 साल रहते हुए हो गए, मैंने कभी किसी सीएम को इतना काम करते हुए नहीं देखा। एक नहीं दोनों में गिनती कराऊँ, पहला नंबर देखो केजरीवाल ने जितने वादे करे मुझे लगता है कम से कम 8-10 तो पूरे ही कर दिए। आने वाले कल में अगर इनको ये कुछ नहीं बने ना पीएम वगैरह, तो फिर आने वाले कल में फिर वो हिंदू मुस्लिम में ही राजनीति होती रहेगी, इसी वोट पड़ेंगे, फिर कोई काम कोई नेता काम करेगा नहीं। इसमें कौन बनेगा प्रधानमंत्री? केजरीवाल लग रहे टक्कर देंगे, राहुल गांधी टक्कर देंगे? चौबीस में अभी पूछ रहे हो ना, तो अभी तो मुझे उम्मीद योगी जी की है। योगी का तो नंबर नहीं, तो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना? नहीं, योगी की इसलिए उम्मीद है क्योंकि काम उन्होंने जो है ना, वो सीएम बने हैं तो दबा दब जो है बंदों की ठुकाई अच्छी कर रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए उम्मीद यही है कि काम भी हुआ है या बस ठुकाई चल रही है? ठुकाई नाम बदले हैं, बाकी जो है गुंडेगिरी खत्म करी है हल्की फुल्की। हाँ, तो इसलिए जो है जब उस कुर्सी पे बैठेंगे वो भी सेट हो जाएंगे। मोदी में क्या कमी रही 9 साल में? मोदी जी में कमी नहीं है, तो अब तो 8-9 साल तो ले लिया उन्होंने। मोदी जी में कमी क्या, जो करा था वो जो बेचारे वो करने वाले थे, जो कुछ अच्छा बुरा करते अल्लाह तौबा अच्छा करते, कोरोना ने सारा काम चौपट कर दिया, उसमें वो तो सारा कुछ कोरोना खा गया, उसमें देश संभालने में लग गए वो, उसमें कोई बुराई उसमें उन्हें तो मेरी भाई कोई बुराई नज़र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो गए जब से मोदी जी आए। हिंदू मुस्लिम कौन करता है यार, मैंने उस दिन भी बोला था पत्रकार करते हैं हिंदू मुस्लिम जो है आप। अच्छा, बुरा पत्रकार करते हैं ये पत्रकार? हाँ। करते हैं, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि जो है आप जो है हिंदू मुस्लिम करो, या कभी देखा आपने कभी का पूरी यात्रा में यही कहा कि मोदी के आने से बड़ा हुआ? एक दूसरे की नेता है, एक दूसरे की बुराई करेंगे, उनका काम है तुम कुर्सी बैठो मैं छीन लूं, मैं बैठो तुम छीन लो, यही चलता है ना, वो तो एक दूसरे की बुराई करेंगे। तो चाचा राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? राहुल गांधी भाई देखो अभी उस मामले में बच्चे हैं, उनसे बढ़िया मैंने कहा ना केजरीवाल बंदा ग्रेट है, जात पात पे वोट नहीं पड़ना चाहिए, काम पे पड़ना चाहिए। और जो इतनी बड़ी यात्रा की राहुल गांधी की, उससे क्या होगा? आप कह रहे कि अभी बच्चे हैं, इतनी बड़ी यात्रा करके खजाना थोड़ा इकट्ठा किया है क्या, अब थोड़ा सा देश में रहने दें। आपको बच्चे क्यों लगते हैं राहुल गांधी? 52 साल से ऊपर हो गए आप बच्चे बता रहे हैं? नहीं, जब तक शादी नहीं करोगे आप बच्चे ही हो। अच्छा। शादी कर लो बाप बन जाओगे। योगी ने विकास तो नहीं किया है, बहरहाल जो है गुंडेगिरी खत्म करी है हमारे यूपी से। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी? ये वो अगर योगी जी से आप मेरा एक संदेश देना, अगर वो अगर विकास ही करना है तो एक काम कर दे बस, वो हर गांव में जो चारागाह की जमीन है उस सब पे एक एक कमरा बनवा दे, और जितने जानवर ना इधर उधर वो मारे मारे, कोई लट से मारता है कोई भगाता है। सर छोड़ने वाले भी तो हम ही तुम ही है। तो जब गांव गांव में वो सीएम ये कर सकते हैं, हर गांव में एक कमरा चारागाह की जमीन है उसमें बनवा देंगे, सारे बंदे उसमें आप ले जाके बांध दिया करेंगे जानवरों को, बंदों को छोड़ने। आपने 24 का जवाब क्लियर नहीं दिया कि 24 में कौन आएगा, ये घुमा रहे हैं आप। भाई देखो 24 में यार मैंने उस दिन भी कहा था कि जो है 24 का जवाब हमारे पास नहीं है, ये कुदरती देन होती है। अब किसी ने सोचा था मोदी जी एक झटके में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अडवाणी साहब बैठे रह गए, देखते रह गए वो मैं बनूंगा, तो वैसे जिसे बनना होगा फिर बन जाएगा। महंगाई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। महंगाई कहाँ है यार, किसने कह दिया महंगाई? आप कह रहे महंगाई नहीं है ना, कमाने वाले के लिए महंगाई है, कमाने वाले के लिए महंगाई नहीं है। हल्ला तो कटा हुआ कि महंगाई बहुत है? देखो यार हल्ला तो कटा ही हुआ, थोड़ा बहुत तो है ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कमाने का लेवल भी तो बढ़ा है, कमाने का लेवल बढ़ा है। अब जहाँ हम 15,000 रुपये महीने कमाते थे 30,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, थोड़ी बहुत फर्क है, जहाँ इतनी महंगाई नहीं होना चाहिए, महंगाई तो बड़ी है थोड़ी बहुत। राहुल गांधी ने यात्रा की, उन्होंने कहा कि देश आर्थिक तौर से गुजर रहा है, अगर कांग्रेस को मौका मिले तो सब कुछ सही हो जाएगा, सिलेंडर सस्ता मिलेगा, पेट्रोल सस्ता मिलेगा।
भाई इसके बारे में आप राहुल गांधी पे ही ले जाते हो यार। मैं केजरीवाल पे जाना चाहता हूँ। केजरीवाल अभी टक्कर में नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, उनका उनके पास अभी एमपी नहीं है, उसके लिए तो एमपी चाहिए। आपको टक्कर में किसी ने सोचा था पंजाब में सरकार बन जाएगी केजरीवाल की? केजरीवाल के बात में आप बोल रहे हो ना, ये फ्री के चीज अगर 5 दिन बंद कर दे, अगर 1 सीट विधानसभा के दिल्ली के अंदर लेके दिखा दे तो मैं हाथ काट के यहीं बैठ जाऊंगा। अरे पूर्णिया